पढ़ना है। मैम जी विश्वकर्मा वाला सर्टिफिकेट ले आया आप किताब की जगह घर से। मैम ये क्या निकाल रहे हैं आप अंदर से? बेटा वो मेरी हाथ उठ रही है, मुझे लगता है गोबर उठा उठा के आपके हाथ। चुप चुप, कितने गोबर उठाए लड़की आई हो? बर्तन उठा उठा के आपके हाथों की बुरी हालत हो गई है। हेलो यार रिचा, मुझे तुझे पूछना था कि तू कौन सी बुक से पढ़ रही है, क्या कर रहा है स्कूल जाके? क्यों स्टूडेंट आया आपका? तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसे आप सबको पता आज है हमारा फास्ट, तो हम लोग बना रहे हैं आलू टिक्की। पहले हम लोगों ने बनाया था आलू और पत्ता गोभी की सब्जी कुछ इस टाइप की, उस अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं टिक्कियाँ। टिक्कियों का तेल जो हमारा गर्म हो गया बिल्कुल, आटा मैंने बना लिया हुआ है बहुत सारा क्योंकि हम सब लोगों ने फास्ट रखा, मम्मा ने, पापा ने, मैंने, भाभी जी ने, तो अभी मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म तेल में टिक्कियाँ और टेस्ट बहुत अजीब और गरीब सा। हे गाइस, तो अभी हम लोगों ने बनाई है साबूदाना डाल की टिक्की और साथ में आलू और दही, और अभी लेते हुए मजे धूप के खाने का, मतलब मम्मा और पापा और भाभी ने खा ली, मेरी नंबर अभी है क्योंकि मैं बना रही थी, तो अभी हम लोग खाएंगे एक साथ, मतलब बैठ के धूप में एक साथ नहीं अकेले। तो खा लीजिए आप लोग भी। ये तो है अलवर फूड। ये सारे गर्म है, बोलन गए गर्म नहीं, नॉर्मल कपड़ा होता है जैसे कि मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में लगता है। कितना मीटर है ये कपड़ा? ये 5 मीटर सूट होता है, बड़े बार का सूट है, जैसा मर्जी सूट बनाओ, खुल्ला डुल्ला। कितने का है? कितने का सूट है? 750। ये देखो ये मैचिंग वाले सूट, ये देखो कलर शैल है, ये मैचिंग वाले आप लेके आए, ऐसा लग रहा है वो फ्रिज के कवर हैं। सच्ची में ऐसा लग रहा है सेल्फ पे डालने वाले कवर नहीं होते, या फिर वो या फिर फ्रिज की है, मैंने सोचा वो लाए हो आप। ये वाले दिखा दो, इसमें से दिखा दो कोई ना कोई। आपको लग रहा है ऐसा? मैंने यहाँ 10 सूट भेज दिए। कितने कितने का दे रहे हैं ये वाला? नहीं लगता है, बाजू बाजू कोई बात नहीं। गाइस तो हम लोग आए थे खेतों में, जैसे हम लोगों ने आपको कल बताया था कि हमारी कौ को हो गया था फीवर, तो हम लोग इधर आए थे उसको देखने के लिए। तो अभी हम लोग मस्त मज़ा लेते हुए यहाँ पे खेतों में बैठे हुए, आप देख सकते हैं पीछे कितने हरे भरे खेत हो रखे हैं। तो यहाँ पे सरसों चल रही है इस टाइम, और साथ में पीछे बता नहीं क्या है, पीछे क्या कनक है, पीछे कनक लगी हुई है मीन्स। तो कितना अच्छा देखिए अब पीछे व्यू कितना अच्छा दिख रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने का। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे यहाँ पे, तो देखते हैं आज अनी मुझे देने वाले हैं कोई सरप्राइज़। अभी जस्ट अनी आए नहीं है, मतलब दुकान पे हैं, तो वो देने वाले हैं मुझे कोई सरप्राइज़, उन्होंने मुझे कॉल करी थी, और देखते हैं आज का सरप्राइज़ क्या है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मैं यहाँ पे आ गई, मैं और भाभी, अब देख सकते हैं भाभी क्या बन के बैठी हुई धूप में। म्याऊ 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 म्याऊ। तो अभी अनी आएंगे अब दुकान से, तो देखते हैं क्या मतलब सरप्राइज़ क्या है मेरे लिए, तो दिखाते हैं आपको भी साथ में। लोग आए थे खेतों में, तो हम लोग खेत में आए थे और यहाँ लगा हुआ है काम मिट्टी का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऐसे मतलब मिट्टी है वो दिलवा रहे हैं ताकि इक्वल हो जाए, मतलब सारा जितने भी ये प्लंथ में जितना भी है इसकी भरवाई करवा रहे हैं, मतलब भर रहे हैं मिट्टी इसमें, तो जैसे भी लगी हुई है। और अनी जी और पापा जी वहाँ पे खड़े हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे आई थी तो मैं फिर घूमने गए, बट मैं यहाँ मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि अनी मुझे छोड़ने नहीं जा रहे हैं अभी, और सनसेट हो रहा है, आई कितना अच्छा लग रहा है। तो पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, और जब कभी भी हमारा घर बन जाएगा ना तो पीछे का व्यू देखने का मज़ा ही कुछ और होगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा, छत से पीछे खेत ही खेत हरियाली, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे लगा हुआ है काम,
हनी मुझे देने वाले हैं सरप्राइज। यो अभी तक वैसे ही मुझे खुद नहीं पता है, बट हनी बोल रहे कि शाम को देंगे वो। अभी मुझे ये नहीं पता है कि इसके लिए मुझे वो कहीं लेके ही आएंगे या फिर सरप्राइज़ घर में आएगा, पता नहीं क्या है, बट है कोई अच्छा वाला। और मुझे बोल रहे थे कि हम लोग शाम को चलेंगे और शायद ना भी चलेंगे, अभी पक्का नहीं पता है, बट हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे ये आपको पता चल जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो पता नहीं सरप्राइज़ क्या है, ऐसा कुछ मैंने कहा तो नहीं था, बट चलो देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ होगा। आप लोग सस्पेंस बनाए रखिए, मैंने भी बनाया हुआ है। आप सबको पता है मैंने आपको पहले से बता रखा था कि अनी जी देने वाले हैं मेरे को कोई सरप्राइज, तो अनी जी लेके आए हैं, बट मैं करने वाली हूँ ओपन, तो आपको देखना है, मतलब आपको भी देखना है और मेरे को भी देखना है यार। मैं मतलब जब से इन्होंने मेरे को बताया था ना कि रतिका तेरे लिए कुछ आया है, तो मतलब अभी हम लोग जाएंगे शॉप पे लेने के लिए मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करा था, मतलब इन्होंने किया था, तो ये मुझे बोलते कि तेरे लिए कुछ आया था, तो मैंने बोला ठीक है। तो ये बोलते कि अगर अनिकेत लेके आता तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग दोनों चलेंगे। फिर हम मुझे लेके नहीं गई, अकेले चले गए, ठीक है। तो अभी वो सरप्राइज़ आ गया, बट इन्होंने खोला नहीं है, आप देख सकती हो सिर्फ ऊपर से पैकिंग खुली है, तो अंदर से नहीं खुला है। तो अनी थैंक यू सो मच, अब ये नहीं पता कि मेरी ज़रूरत की चीज़ है भी कि नहीं है। तो ठीक है, ये रहा सरप्राइज़, मतलब ये ऑनलाइन मंगवाया गया है, तो सिर्फ इन्होंने इसकी पैकिंग ऊपर से खोल दिया हुआ है, तो अंदर से बॉक्स निकालने में जा रही हूँ। यार अब ये कैसे काम लेके हो जाते हो यार, नहीं अब तो हर बात मेरी किन्ने समझी आते होंगे हाय। तो गाइस ये रहा हमारा, ऐसे काम लेके बजाते हो व्लॉगिंग कैमरा जिसकी मुझे बहुत नीड थी, और मैंने बताया क्या बोला था, मैंने एक दिन इनको ऐसे ही बोल दिया था कि यानी ऐसे जो व्लॉगिंग कैमरा होना चाहिए, मतलब जिससे मैं ब्लॉग को अच्छे से शूट कर सकूं, तो वो मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच अनी जी। तो ये इसका सारा है, अभी शायद इसको वो करना पड़ेगा सेटअप जो भी होता है इसका, और ये 4K है शायद, फुल HD। थैंक यू सो मच। और इस टाइप का रहेगा ये, कुछ देखो कितना काम कर रही है शिबू ने गंद डाला के, देखो कितना काम कर रही है, ऐसे मैंने किया होता तो कभी नहीं करती। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या ही गंद डाला, थोड़ी सी जींस ही निकाली थी, बात तो क्या हुआ। अगर मैं एक दो जींस निकाल देता फिर मैं सारी आपसे ऐसे बिल्कुल सेट करवा के रखवाती। भाई का चल दिखा मेरा भाई, तू मेरी जान है। मेरा मुक्का तू खा लेना है, भाई वाली फीलिंग, मतलब भाई की एक भाई का प्यार जो है ना, उससे ज्यादा किसी का प्यार नहीं होता, पता आप लोगों को। चल ठहर निकलिए, पराग ना निकल निकल यार, अभी निकल अभी, जस्ट एक बात बताऊं आपको सच्ची में, आपको ना मतलब अगर शिबू के साथ ना कोई ऐसी बात हो जाती है ना मेरी, तो आपको इतनी जेलसी होती है इतनी, कभी भी मैं ना आपको उनसे कंपेयर करती हूँ ना, गो जेलसी, गो 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 दफा, चलो मैं सच्ची चले जाना, निकल किसी का कुछ नहीं जाना, निकल, जो जाना आपका जाना है, निकल 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 निकल। वैसे मुझे जंगली जानवर नहीं रखने घर में, यू कॉल मी जंगली जानवर, या बिल्कुल सही सुना, निकलो, दिस इज माय न्यू नेम, इधर आओ। हाँ बट्टा खिचड़ी खा के जाइयो, अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय नहीं पीनी है आज, खिचड़ी खानी है, तो खिचड़ी खा के जाना ना बेटा, ना एक चम्मच शुभ होता है बेटा, नहीं एक चम्मच खा के ही जाना है, इससे पेपर अच्छा होता है, ले 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 ले, नहीं एक चम्मच और खानी पड़ेगी, एक चम्मच और खानी पड़ेगी। तो हाँ बेटा आप सबको पता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो आने वाले, आप लोगों को पता है ना, सबको पता है ना, क्यों शीतल आपको पता है। तो बेटा आप लोगों को कैसे पढ़ना है कि आप लोगों को NCERT की बुक लेनी है, उससे पढ़े, क्योंकि सारे शॉर्ट्स जो है उसी में होते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, तो मैं आपको जितने भी
जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो उसके लिए मैंने जो है नोट्स बनाए हुए हैं, आपको बस उन पे उनसे ही पढ़ना है। मैम जो विश्वकर्मा वाला सर्टिफिकेट ले आया आपको किताब की जगह घर से। नहीं नहीं ओ सॉरी, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस पे आपको मतलब ऐसे बता रहे, एक शॉर्ट्स बता रही हूँ ताकि आपको उस तरह से मतलब फोकस जो है वो करना है, ठीक है? तो आपको ऐसा करना है मतलब जितने एनसीईआरटी की आप, अगर आप किसी के पास मतलब बुक नहीं है तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब सिर्फ नेट से पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ को ही देखना है, ना कि एक्स्ट्रा सोशल साइट को यूज करना है, समझ रहे हो? ठीक। उसके बाद आपको यार तो मेरी ड्राई हो गई हाथ। मैम ये क्या निकाल रहे हो आप अंदर से? बेटा वो मेरी हाथ ड्राई हो गई, मुझे लगता है गोबर उठा उठा के आपके हाथों की बुरी हालत हो गई, इतना आप लोशन लगा रहे हो उनको। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तुम चुप करो, ठीक है? बर्तन थोड़ा की तरफ फोकस करो। बर्तन उठा उठा के आपके हाथों की बुरी हालत हो गई है। माँ जी आपके बच्चे एक तो बर्तन उठाने वाली है मेरी सासू माँ, मुझे क्या जरूरत है बर्तन उठाने की? माँ जी एक तो आपका बच्चा पढ़ के नहीं आता, ऊपर से आप रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और मैडम गोबर उठा उठा के हाथों की बुरी हालत हो गई, इधर आके लोशन लगाती है। मैं गोबर उठाती हूँ कैसे बोले मैं? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं जी आप अपने बच्चे को खिचड़ी खिला के भेजिएगा, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं। आप कहाँ थी? आप खुद बनाने थे ना रोटी? माँ जी ने तो खिला दी खिचड़ी। माँ जी आपने खिचड़ी तो खिला दी, आपने आप कहा दी? माँ जी एक तो आता कुछ नहीं आपके बच्चे, पहले मैंने दूध निकालने गई। तो मेरा अपना रोना। फिर मैंने खिचड़ी बनाई, आपने क्या किया बोलो बोलो। अब शर्म आनी चाहिए आप। मैं आपके बच्चे को पढ़ा रही हूँ ना, आपको इतनी शर्म आनी चाहिए? इतना बड़ा काम करेंगी वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी 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 मैम जी पढ़ाइए पढ़ाइए, आप माता की बातों का गुस्सा मत मानिए, आप पढ़ाइए। बोलिए मैम, मैम बोलिए। आपको ऐसा करना है मतलब मैम एक बात बोलूं, आपकी गजब बेइज्जती हुई मैडम। आप क्या आप बुरी हालत में फंस जाओगे, आपको नहीं पता मैम जब आपका एग्जाम होगा आपको नहीं आएगा। मैम आपसे तो कम फंसेंगे, जितना फंसे आपसे कम फंसेंगे, गोबर तो नहीं उठाना पड़ेगा ना उनको। आपको अभी पता है ना ये बोर्ड का एग्जाम जो होते है यहाँ से हमारी फ्यूचर जो है वो स्टार्ट होते है, पता है? अगर आप ये पास कर गए तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा, अगर आप यहाँ फंस गए तो ये खोड़ का छप्पड़ है ना, आप यहीं पे गिरी रह जाओगे। अच्छा। समझ में आया? कुछ नहीं है इसके बाद, जब हम लोग कभी बस में जाएंगे ना तो आप वहाँ कंडक्टरी कर रहे होगी। मैडम जी मैं आपसे किराया मैं आपसे किराया नहीं लूंगा, नहीं लूंगा किराया, डोंट वरी मैम। मेरे पास किराया होगा, मेरा फ्यूचर जो है वो सिक्योर है, तुम्हारे नहीं होगा। कहाँ से चिको हुआ? गोबर उठा उठा के आपके हालत की बुरी हालत हो गई है। कौन उठाते गोबर? तभी तो आप लोशन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? तो लोशन मेरा ड्राई हो गया था, स्किन मेरा ड्राई है तो ड्राई हो गया तो मैं लोशन लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा बर्तन साफ करते हो? बर्तन करना पड़ता है हम लोगों को, हम लेडीज हैं, हम लोगों को सारा काम करना पड़ता है, अंडरस्टैंड है? झाड़ू करवाओ, चलो करवाओ। मैडम जी आपकी तो गजब बेइज्जती हो रही है बार बार में। मोए 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 मुझे ऐसे बच्चे को पढ़ाने ही नहीं है जिसको जो कंसंट्रेट नहीं करता। मैं जा रही हूँ घर, ट्यूशन पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाई। मैम ट्यूशन भी आपसे पढ़नी है? ट्यूशन वाली मैडम भी ऐसी होगी नहीं। क्योंकि मैं मजा आ रहा है आपसे पढ़ने का। आप कंसंट्रेट नहीं करते, आप लोफर बंदा है, ऐसे लोफर गर्जी करता सिर्फ। छोड़िए छोड़िए कैमरा छोड़िए मैम, आपका मोए मोए हो रहा है बार बार।